नमस्कार विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे और आज का अध्याय पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय अम्ल, क्षारक एवं लवण। बच्चों, अध्याय पढ़ने से पहले कुछ दोहराई कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो बच्चों, सही जवाब, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न बताइए कि क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? सही जवाब, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अगला प्रश्न, क्षारक लिटमस पत्र पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? सही जवाब, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अगला प्रश्न, यदि अम्ल और क्षारकों को आपस में मिलाया जाए तो क्या होगा? अम्ल और क्षारकों को आपस में मिलाने पर एक अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा लवण और जल उत्पन्न होता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक अम्ल, क्षारक और लवणों के बारे में। विद्यार्थियों, आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं और क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है और साधारण नमक के कुछ रसायन। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। संतरा, नींबू और अंगूर सभी खट्टे होते हैं और इन्हें सिट्रस फल कहा जाता है। इनके अंदर अम्ल होता है जिसके कारण ये खट्टे होते हैं। यह हमारे घरों में आमतौर पर मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए, घर में इस्तेमाल किया जाने वाला सिरका, जिसमें एसिटिक अम्ल होता है, और इमली, जिसमें टार्टरिक अम्ल होता है, और टमाटर, जिसमें कि ऑक्सैलिक अम्ल होता है, आमतौर पर घर पर मिल जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो इनके बिल्कुल उल्ट होते हैं, उन्हें क्षारक कहा जाता है। हम अपने घर में साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। ये सभी क्षारकीय होते हैं। हम अम्ल और क्षारक की पहचान कुछ सूचकों द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि लिटमस पत्र द्वारा, फिनोफ्थलिन विलयन द्वारा, और या फिर मेथिल ऑरेंज नामक विलयन द्वारा। जब हम नीले लिटमस पत्र को किसी अम्लीय विलयन में डालते हैं, तब उसका रंग लाल हो जाता है। जब हम लाल लिटमस पत्र को किसी क्षारकीय विलयन में डालते हैं, तो उसका रंग नीला हो जाता है। इस प्रकार हम अम्ल और क्षारक की पहचान कर सकते हैं। फिनोफ्थलीन का इस्तेमाल करके हम क्षारक की पहचान कर सकते हैं। फिनोफ्थलीन की कुछ बूंदें क्षारकीय विलयन में डालने पर उसका रंग गुलाबी हो जाता है। हम मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंदें जब अम्ल में डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, और जब मेथिल ऑरेंज की कुछ बूंदें क्षारक में डालते हैं तब उसका रंग पीला हो जाता है। बच्चों, अब हम धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। आइए, ऐसा करने के लिए हम एक क्रिया करके देखते हैं। इस अभिक्रिया को करने के लिए हमें चाहिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, दानेदार जिंक, एक टेस्ट ट्यूब जो कि होल्डर में लगाई गई है, एक प्रवाह नली जिसके एक सिरे पर कॉर्क को लगाया गया है, और इसी के साथ एक मोमबत्ती भी। सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब में
दानेदार जिंक का एक टुकड़ा ले लेते हैं। अब हम इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। आप देख पाएंगे कि कुछ बुलबुले बन रहे हैं। ये बुलबुले हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। इस गैस का टेस्ट करने के लिए हम गैस को एक जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाएंगे। गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है। एक बार फिर से इसे देखते हैं। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस के साथ साथ जिंक सल्फेट भी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि जब भी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो उनमें से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं और उस धातु का लवण भी साथ में बनता है। आइए एक अभिक्रिया देखते हैं। इस अभिक्रिया को करने के लिए हमें चाहिए एक प्रवाह नली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक टेस्ट ट्यूब, स्पैचुला और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को परख नली में ले लेते हैं। इसके पश्चात हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को परख नली में लेंगे। परंतु उससे पहले हम प्रवाह नली का एक सिरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी में डाल देंगे। अब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को परख नली में डालेंगे। परख नली में डालने पर बुदबुदाहट शुरू हो जाती है। यह एक अभिक्रिया के कारण होता है जिसमें कि एक गैस बनती है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्रवाह नली के रास्ते यह गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जा रही है। जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड, पानी और एक गैस बनती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में से प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी दूधिया होने का कारण है एक ऐसा अवशेष बनना जो कि सफेद रंग का होता है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाते हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं चूने का पानी दूधिया हो गया। जब भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है जो कि पानी में घुलनशील है। आओ बच्चों, अब हम अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। अम्ल एवं क्षारक अलग अलग रासायनिक क्रियाएं दर्शाते हैं। तब क्या होगा जब इन दोनों को परस्पर आपस में मिलाया जाए? अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह इस प्रकार है, अम्ल और क्षारक मिलते हैं और बनता है लवण तथा जल। 5 मिलीलीटर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है 1 बीकर में लीजिए। इसमें कुछ बूंदे फिनोफ्थलीन सूचक की डालें और ग्लास रोड की मदद से अच्छी तरह से हिलाएं। हम विलयन का कौन सा रंग देखते हैं? हाँ, विलयन
गुलाबी रंग का हो गया है क्योंकि विलेन का स्वभाव शार्कीय है। अब इस विलेन में ड्रॉपर की मदद से कुछ बूंदे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालें और अच्छी तरह से हिलाएं। क्या आपको विलेन के रंग में कोई बदलाव दिख रहा है? हम देख रहे हैं कि विलेन का गुलाबी रंग फीका पड़ रहा है। अम्ल की कुछ और बूंदे डालकर अच्छी तरह से हिलाएं, जब तक कि विलेन का रंग रंगहीन ना हो जाए। विलेन रंगहीन हो गया है, इसका मतलब यह हुआ अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विलेन न तो अम्लीय रहता है और ना ही क्षारकीय। अब विलेन में सिर्फ लवण और जल ही रह जाता है। इस प्रक्रम को उदासीनीकरण कहा जाता है। आओ बच्चों, अब हम अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाओं और क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। जब कोई अम्ल धात्विक ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की धात्विक ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्लोराइड लवण और जल बनता है। जैसे जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर क्लोराइड और जल बनता है। अभिक्रिया इस प्रकार है, 2HCl जमा कॉपर ऑक्साइड बराबर है CuCl2 कॉपर क्लोराइड जमा H2O यानी कि जल। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कॉपर ऑक्साइड मिलकर कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण करते हैं। अगर हम कॉपर ऑक्साइड को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो कि KOH है के साथ बदल दें तो पोटाशियम क्लोराइड और जल मिलता है। इसकी अभिक्रिया इस प्रकार है, HCl जमा KOH बराबर है KCl जमा H2O। दूसरा उदाहरण, अगर हम HCl अम्ल की जगह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमें कॉपर सल्फेट और जल प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया इस प्रकार है, H2SO4 जमा CuO देता है कॉपर सल्फेट जमा H2O। और अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो पोटाशियम सल्फेट और जल प्राप्त होते हैं, जिसकी अभिक्रिया इस प्रकार है, H2SO4 जमा 2KOH से प्राप्त होता है K2SO4 यानी कि पोटाशियम सल्फेट जमा 2H2O। बच्चों, इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल की धात्विक ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हमें धातु नाइट्रेट और जल प्राप्त होता है। जैसे कि जब नाइट्रिक अम्ल की मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और जल मिलता है। ऐसे ही अगर हम नाइट्रिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो कैल्शियम नाइट्रेट लवण और जल बनता है। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। आपने कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया देखी थी। यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। इनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक लवण है और जल बनता है। क्षारक और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया भी कुछ ऐसी ही है जिसे हमने उदासीनीकरण कहा था। तो इससे सिद्ध होता है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और क्षारकों के साथ अभिक्रिया कर
जल और लवण का निर्माण करते हैं। आइए अब हम सभी अम्लों और सभी क्षारकों के बीच में क्या समानताएं हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सभी अम्ल एक जैसे होते हैं और अम्ल में धनायन यानी कि हाइड्रोजन आयन, जिसे H के ऊपर जमा के निशान से दर्शाया जाता है, होते हैं। अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन अर्थात जलीय विलयन, यहाँ पर दर्शाया गया है H के ऊपर जमा का निशान और ब्रैकेट में लिखा गया है AQ, जो दर्शाता है कि अम्ल का जल में विलयन है। और इसी प्रकार क्षारक ऋणायन OH के ऊपर घटा का निशान उत्पन्न करते हैं, जिसे कि हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H+ उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन यह जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। H+ यानी H जमा जब जल के अणु से मिलता है तो बनता है हाइड्रोनियम आयन, जिसे प्रदर्शित किया जाता है सूत्र H3O के ऊपर जमा का निशान H3O+ द्वारा। अम्ल जल में H3O+ अथवा H+ आयन प्रदान करता है। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH- यानी OH पर घटा का निशान आयन प्रदान करता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल और क्षारक तनुकृत हो जाते हैं। जल में अम्ल या क्षारक घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक अम्ल अत्यंत सावधानी से मिलाना चाहिए। कभी भी सांद्र अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए। ऐसा करने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। आओ बच्चों, अब हम अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, यह जानने के लिए pH स्केल का प्रयोग किया जाता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया गया है। इस pH में P सूचक है पुसांस पुटेंस, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। इस pH स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक pH को ज्ञात किया जा सकता है। साधारण भाषा में pH को ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय होगा, और यदि pH का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो विलयन में OH- की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षार शक्ति बढ़ रही है। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। इसी प्रकार अधिक संख्या में OH- आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक प्रबल क्षारक होंगे, जबकि कम OH- आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक दुर्बल क्षारक होंगे। आइए अब दैनिक जीवन में pH के महत्व के बारे में समझते हैं।
सबसे पहले प्राणी। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है और वे मर भी सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच किस प्रकार का है। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। कभी कभी अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देते हैं। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। बच्चों, आपके घर में भी कभी कभी आपके माता पिता अति अम्लता की शिकायत करते हैं और एंटासिड का प्रयोग भी करते हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचा जा सकता है। बच्चों, मुंह की सफाई के लिए जो हम दंत मंजन इस्तेमाल करते हैं, वे अधिकतर क्षारकीय होते हैं। ये क्षारकीय दंत मंजन अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। लवण संबंधी जानकारी। साधारण नमक, समुद्री नमक। साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इस लवण का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में भोजन में करते हैं। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक को पृथक किया जाता है। इसके अलावा ठोस लवण के रूप में विश्व भर में निक्षेप मिलते हैं। इन निक्षेपों को खनिज नमक कहा जाता है। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थों को बनाने के लिए किया जा सकता है। सबसे पहले यह अभिक्रिया देखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड जमा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है सोडियम क्लोराइड और जल। साधारण नमक ही है जो कि हम भोजन बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। उदासीन नमक जिसका पीएच 7 है, यह नमक खाने वाली वस्तुओं को ज्यादा देर तक रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जबकि साधारण नमक सिर्फ भोजन बनाने के लिए ही नहीं प्रयोग किया जाता, इसका प्रयोग रासायनिक क्रियाओं में भी किया जाता है। सोडियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। जब सोडियम क्लोराइड में से विद्युत को प्रवाहित किया जाता है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड पैदा करता है। इस अपघटन के बाद क्लोरीन गैस एनोड पर निर्मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण कैथोड पर होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए उत्पाद बहुत उपयोगी हैं। उत्पन्न हुई हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के लिए, अमोनिया बनाने के लिए और वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीस को हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए व कृत्रिम रेशे बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ उत्पन्न हुई क्लोरीन गैस एक रोगाणुनाशक है। इसका प्रयोग पानी की सफाई या स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए किया जाता है। इसी के साथ साथ इसका प्रयोग विरंजक चूर्ण बनाने के लिए भी किया जाता है। आइए जानते हैं विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को मिलाया जाता है, जिससे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नामक एक पदार्थ बनता है जिसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है। इसकी अभिक्रिया इस प्रकार है, CaOH ब्रैकेट में 2 जमा Cl2 से बनता है CaOCl2 जमा H2O। विरंजक चूर्ण का उपयोग। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लीनन के विरंजन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी किया जाता है। पीने वाले जल को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। आइए अब जानकारी लेते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। बेकिंग सोडे का निर्माण। इसके निर्माण के लिए मूल पदार्थ सोडियम क्लोराइड है। ऐसा करने के लिए अभिक्रिया इस प्रकार है, NaCl जमा H2O जमा CO2 जमा NH3 जिसे अमोनिया कहते हैं से बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जमा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडे के उपयोग। बेकिंग पाउडर बनाने में, जो कि बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। एंटासिड के लिए, क्योंकि बेकिंग सोडा एक दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण है, इसलिए इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में आग बुझाने के लिए किया जाता है। आइए बच्चों, आज हम धोने के सोडे का रासायनिक नाम और सूत्र के बारे में जानते हैं। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है सोडियम कार्बोनेट है। बेकिंग सोडे को यदि गर्म कर दिया जाए तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करके धोने का सोडा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अभिक्रिया है Na2CO3 जमा 10H2O बराबर है Na2CO3 10H2O। आइए बच्चों, अब हम धोने के सोडे के क्या क्या प्रयोग हैं देखते हैं। इसका प्रयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका प्रयोग बोरेक्स के निर्माण के लिए किया जाता है। घर में साफ सफाई के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आओ बच्चों, अब हम लवण के क्रिस्टल
के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल देखते हैं। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल क्या वास्तव में शुष्क हैं? आइए एक प्रक्रम करके देखते हैं। सबसे पहले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उन्हें गर्म करते हैं। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, पर गर्म होने पर इसका रंग सफ़ेद होने लगता है। क्या आप टेस्ट ट्यूब में कुछ बूंदे देख पा रहे हैं? ये बूंदे कहां से आई? गर्म करने पर प्राप्त कॉपर सल्फेट में उन्हें जल मिलाने पर आप पाते हैं कि कॉपर सल्फेट का रंग फिर से नीला हो गया। ये जल के मिलने के कारण हुआ। लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O है। यहाँ पर 5H2O क्रिस्टलन के जलों की संख्या को दर्शाती है। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी हेमीहाइड्रेट बनता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है। CaSO4 1/2H2O जमा 1/2H2O से बनता है CaSO4 2H2O यानी कि 2H2O। इस पदार्थ का प्रयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। बच्चों, अब तक जो हमने अध्याय में पढ़ा उसकी दोहराई अब हम करेंगे। अम्ल और क्षारक की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए सूचकों का प्रयोग किया जाता है। अम्लों और क्षारकों की प्रबलता ज्ञात करने के लिए pH स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण होता है। एक उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन के pH का मान 7 से कम एवं क्षारकीय विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है। सांद्र अम्ल एवं क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। आइए अब कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, फिनोफ्थलीन विलयन में क्षारक को डालने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? जवाब दीजिए। सही उत्तर है गुलाबी रंग। धातु अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन गैस। pH स्केल क्या दर्शाता है? pH स्केल अम्लों और क्षारकों की प्रबलता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, क्लोर क्षार अभिक्रिया के कौन कौन से उत्पाद हैं?
इसका उत्तर है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 1/2 H2O। इसी के साथ हमारा अध्याय समाप्त हुआ। आशा है कि आप सभी ने इस पूरे अध्याय को ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा होगा। बच्चों, अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस अध्याय को दोबारा से पढ़िए और अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हल करने की कोशिश स्वयं ही कीजिए। धन्यवाद बच्चों।